जब हम किसी दूसरे ग्रह पर बस्ती बसाने की बात करते हैं तो हमारे सामने मंगल ही सबसे पहला विकल्प निकलकर सामने आता है। लेकिन मंगल की आज की परिस्थितियां बिल्कुल भी जीवन के लिए अनुकूल नहीं। ये सुनने में भले ही साइंस फिक्शनल लगे, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल ग्रह को टेराफॉर्म कर पृथ्वी जैसा बनाया जा सकता है। मंगल ग्रह बिल्कुल वीरान पड़ा है, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो पृथ्वी से मेल खाती हैं। जैसे पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, वैसे ही मंगल का एक दिन 24 घंटे 40 मिनट का होता है, जो पृथ्वी से सिर्फ 40 मिनट ही बड़ा है। मंगल की सतह भी पृथ्वी की ही तरह रॉकी है। मंगल की धरती पर भी तूफान आते हैं। मंगल की जमीन भी पृथ्वी की ही तरह सेम मटेरियल से बनी है। मंगल पर भी अतीत में ज्वालामुखी फटे थे। यहाँ तक कि मंगल ग्रह पर तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का पहाड़ मौजूद है, जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स। मंगल ग्रह का निर्माण भी तभी हुआ था जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था, आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले। लेकिन क्या पृथ्वी की ही तरह मंगल की धरती पर भी कभी जीवन ने सांसें ली होंगी? 1960 में मंगल ग्रह पर सबसे पहली प्रोब भेजी गई। उससे पहले ऐसा माना जाता था कि मंगल पर भी पृथ्वी की ही तरह जीवन मौजूद होगा, वहां पर भी सिविलाइजेशंस होंगी। जब नासा का मेरिनर फ्लाईबाई मिशन मंगल पर पहुंचा तो उसने मंगल की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी। उन तस्वीरों को देखकर इंसानों की मानो एलियनों से मिलने की सारी संभावनाएं खत्म हो गईं, क्योंकि मंगल की आई वो सबसे पहली तस्वीरें ये साफ साफ बयां कर रही थीं कि मंगल एक वीरान ग्रह है जहां जीवन का नामोनिशान भी नहीं। लेकिन फिर भी नासा मंगल की धरती पर किसी भी फॉर्म में एलियन लाइफ खोजने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने अब मंगल की धरती पर उतरने की सोची और 1976 में नासा के वाइकिंग स्पेसक्राफ्ट ने मंगल की धरती को छुआ। वाइकिंग स्पेसक्राफ्ट के किसी अनजान ग्रह पर लैंड होने के बाद अभी भी वैज्ञानिक बड़े ही उत्सुक थे कि वो एलियनों से मिलेंगे और मंगल पर जीवन के सबूत ढूंढ लेंगे। लेकिन वाइकिंग स्पेसक्राफ्ट से मिली तस्वीरों ने फिर से पृथ्वीवासियों को मायूस कर दिया। मंगल की इतने करीब से ली गई तस्वीरों में मार्शियन सिविलाइजेशन तो नहीं, बल्कि धूल मिट्टी और पत्थर दिखाई दे रहे थे। वीरान पड़े इस ग्रह पर जीवन के रूप ना देखकर वैज्ञानिक अब इस ग्रह पर माइक्रो रूप में ही सही किसी बैक्टीरिया के रूप में जीवन खोजने में जुट गए। और माइक्रो फॉर्म में जीवन खोजने के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि वाइकिंग यान में एक छोटी सी केमिकल लेबोरेटरी मौजूद थी जिसमें कुछ केमिकल परीक्षण किए जा सकते थे। वाइकिंग यान ने मंगल की मिट्टी के कुछ परीक्षण किए तो उससे भी मायूसी हाथ लगी। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो इतनी आसानी से अपने सीक्रेट्स बताने वाला नहीं। मंगल के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। मंगल का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस है। रात के समय में इस पर पारा गिरकर -125 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। मंगल का डायामीटर पृथ्वी से आधा है, लेकिन इसकी डेंसिटी पृथ्वी से कम है, इस वजह से इसकी ग्रेविटी पृथ्वी की एक तिहाई है। लेकिन मंगल का एक्चुअल सरफेस एरिया उतना ही है जितना पृथ्वी पर समुद्रों को छोड़कर सूखी जमीन है। नासा तो मानो मंगल ग्रह पर जीवन खोजने के लिए हाथ धो के पड़ा हो। नासा ने 2003 में मंगल पर दो रोवर्स भेजे, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी। ये दोनों रोवर्स उस समय की एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस थे। विजुअल्स को और अच्छा बनाने के लिए उन रोवर्स में कैमरे को इतनी ऊंचाई पर सेट किया गया कि जितनी ऊंचाई पर इंसानों की आंख होती है। इस वजह से इन रोवर्स से मिलने वाली तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई इंसान वहां खड़ा होकर देख रहा हो। जैसे जैसे मंगल पर मिशन होते जा रहे थे, वैसे वैसे हम मंगल के बारे में और ज्यादा जानते जा रहे थे। और ये तो तय हो चुका था कि इस ग्रह पर किसी इंसान को भेजने लायक माहौल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मंगल का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला है, जिस वजह से वहाँ दबाव कम है। वहाँ का वातावरण बहुत ही ठंडा है। वहाँ पर पानी तो बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन वो जमी हुई अवस्था में जमीन के नीचे दबा पड़ा है। मंगल ग्रह पृथ्वी के किसी धूल के रेगिस्तान से भी ज्यादा सूखा है, और यहाँ पर पिछले लाखों सालों से तो छोड़ो करोड़ों सालों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। मंगल पर किए गए मिशनों से एक रहस्य सुलझकर सामने आया, वो ये कि मंगल पर बड़ी बड़ी घाटियां मौजूद हैं, जिनसे ये साबित होता है कि मंगल का अतीत आज की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था। अतीत में मंगल पर मौजूद बड़ी बड़ी घाटियों में पानी तरल रूप में बहा करता था, और जहाँ पानी तरल रूप में होता है वहाँ जीवन के पनपने की प्रबल संभावना होती है। तो क्या अतीत में मंगल पर जीवन ने सांसें ली थीं? वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अतीत में मंगल ग्रह पर हमारी पृथ्वी की ही तरह परिस्थितियाँ मौजूद थीं,
इस पर समुद्र थे, नदियां थीं, इसका खुद का एक एटमॉस्फेयर था, इस पर भी जीवन फला फूला होगा। लेकिन कभी जीवन को धारण करने वाला ग्रह आज के वीरान और लाल ग्रह में कैसे बदल गया, ये एक सबसे बड़ा रहस्य है। मंगल के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए वैज्ञानिक मार्स मिशन करते जा रहे हैं और उनकी खोज जारी है कि क्या मंगल पर आज भी एलियन लाइफ मौजूद है। जिस तरह की परिस्थितियां मंगल ग्रह पर मौजूद हैं, उसी तरह की परिस्थितियां पृथ्वी पर भी कई जगहों पर मौजूद हैं। जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की उन जगहों पर रिसर्च की जो मंगल की ही तरह वीरान और बंजर पड़ी हैं, जहां जीवन बैक्टीरिया के रूप में भी मौजूद नहीं होना चाहिए, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पृथ्वी के उन वीरान पड़े बंजर इलाकों में भी जीवन के संकेत देखने को मिले, जिससे ये तो तय होता है कि मंगल की धरती में भी मिट्टी के नीचे जीवन के सबूत देखने को मिल सकते हैं। मंगल की धरती लाल है और इसका कारण है कि मंगल की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। यह है मंगल ग्रह का सनसेट, जिसको रोवर स्पिरिट ने अपने कैमरे में कैद किया था। मंगल पर पतला एटमॉस्फेयर होने की वजह से सूर्य सनसेट के दौरान पृथ्वी की तरह ऑरेंज नहीं बल्कि नीला दिखाई दे रहा है। मंगल की धरती पर खड़े होकर क्षितिज में सूर्य के छिपने का नजारा कितना सुंदर है, लेकिन मंगल पर इससे भी सुंदर नजारा देखने के लिए मिलता है रात के समय, क्योंकि मंगल के दो छोटे छोटे चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस, जो मंगल की रातों को और सुंदर बनाते हैं। लेकिन 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 हर सुंदर दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती। मंगल ग्रह एक शांत ग्रह नहीं है, इस पर एस्ट्रॉइड्स की बम्बार्डमेंट होती रहती है, क्योंकि पतले एटमॉस्फेयर की वजह से एस्ट्रॉइड्स इसके एटमॉस्फेयर में पूरी तरह जल नहीं पाते और इसकी सतह से टकराते रहते हैं। और यहाँ तक कि मंगल के जो चंद्रमा हैं, वो भी आने वाले समय में अपनी जगह पर नहीं रहने वाले। मंगल के चंद्रमाओं के छोटे होने की वजह से इनकी ग्रेविटी बहुत ही वीक है। अगर किसी दिन कोई भारी एस्ट्रॉइड मंगल के चंद्रमाओं के पास से गुजरा या मंगल के चंद्रमाओं से टकराया, उसी दिन मंगल के चंद्रमाओं का पाथ बदल जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि ये मंगल के ऑर्बिट को छोड़ बाहर निकल जाएं या फिर मंगल से ही टकरा जाएं। अगर किसी एस्ट्रॉइड की वजह से ऐसा नहीं हो पाया तो भी मंगल के चंद्रमा खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हर एक 100 साल बाद मंगल के चंद्रमा मंगल के पास 6 फीट खिसक जाते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा मंगल के पास आते जाएंगे, वैसे वैसे मंगल की ग्रेविटी की वजह से ये टूट जाएंगे और टूटकर मंगल के चारों ओर बिखर जाएंगे, जिससे मंगल के चारों ओर एक रिंग बन जाएगी। लेकिन कुछ सालों में ही वो मटेरियल भी मंगल में ही समा जाएगा। लेकिन मंगल के चंद्रमाओं को पूरी तरह खत्म होने में अभी 50 मिलियन साल लगेंगे। भविष्य में मंगल ग्रह पर किए जाने वाले मानव मिशनों के लिए मंगल पर मौजूद धूल भी चिंता का विषय बनेगी। मंगल पर धूल के तूफान उठते रहते हैं और हर एक 3 सालों में लोकल धूल का तूफान ग्लोबली बन जाता है और महीनों तक धूल आसमान में उड़ती रहती है, जो सब कुछ ब्लॉक कर देती है। अभी तक मंगल पर जो सबसे चौंकाने वाली डिस्कवरी हुई है वो है मीथेन गैस की। अब आप कहोगे कि इसमें क्या खास बात है, तो आपको बता दूं कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसी हैं जो मीथेन गैस रिलीज करती हैं और किसी ज्वालामुखी से भी मीथेन गैस निकलती है, जो इस तरफ इशारा करती है कि या तो मंगल ग्रह पर किसी रूप में जीवन छिपा हुआ है, जिससे मंगल ग्रह बायोलॉजिकली एक्टिव है, या फिर मंगल की धरती में अभी भी हलचल जारी है जो इसे जियोलॉजिकली एक्टिव बनाती है। मंगल ग्रह पर मिले मीथेन के सबूत इसे एक्टिव ग्रह की कैटेगरी में शामिल कर देते हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि मंगल पर जीवन किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद होगा और इसकी रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों ने हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बनी मशीनों जैसे क्यूरियोसिटी रोवर्स को भेजा है। लेकिन जब तक वैज्ञानिक मंगल पर रोबोटिक मिशन करते रहेंगे, तब तक मंगल के रहस्यों से पर्दा उठने में देर होती जाएगी, क्योंकि एक रोबोट 5 सालों में जितनी रिसर्च कर पाएगा उससे ज्यादा तो एक इंसान सिर्फ 2 हफ्तों में ही कर लेगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक अब मंगल पर मानव मिशनों को भेजने की योजनाओं में जुटे हैं और ये तो तय है कि आने वाले कुछ सालों में ही जल्द ही हमारे बीच मौजूद कोई इंसान मंगल की धरती पर कदम रखने वाला है। दूसरे शब्दों में कहें तो मंगल की धरती पर कदम रखने वाला वो पहला इंसान इस धरती पर जिंदा है। मंगल पर इंसानों का ये सफर आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि वहां पहुंचने में ही लगभग 6 महीनों का वक्त लग जाएगा। खैर, ये तो तय है कि भविष्य में मानव मिशन मंगल पर जाएंगे और मंगल के रहस्यों से पर्दा उठेंगे। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मंगल को टेराफॉर्म कर फिर से पृथ्वी जैसा बनाने का सपना देखते हैं।
हालांकि ये सुनने में साइंस फिक्शनल जरूर लगता है, लेकिन मंगल को टेराफॉर्म करने की ये एक मजेदार कल्पना है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे वैज्ञानिक मंगल को टेराफॉर्म करने की सोच रहे हैं। अभी तक मंगल पर किए गए मिशनों से ये तो साफ हुआ है कि मंगल की धरती पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। मंगल की धरती पर पानी मिट्टी के नीचे और पोल पर मौजूद है, लेकिन मंगल ग्रह इतना ठंडा है कि उस पर पानी जमी हुई अवस्था में है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन के लिए सबसे अच्छी परिस्थितियां वही हो सकती हैं जहां पानी तरल रूप में मौजूद हो, लेकिन हम इंसानों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपनी अभी की टेक्नोलॉजी से ही मंगल की धरती को पृथ्वी जैसा बना सकते हैं। मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने के लिए हमें किसी हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ने वाली, और मंगल को टेराफॉर्म करने के लिए हमें ज्यादा मशक्कत करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मंगल की धरती पर हमें केवल वही करना है जिस काम में हम सबसे ज्यादा माहिर हैं। और आप तो जानते ही हो कि हम इंसान ग्लोबल वार्मिंग करने में सबसे ज्यादा माहिर हैं। पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग करना हमारे अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन अगर हम मंगल की धरती पर ग्लोबल वार्मिंग करें तो वो हमारे लिए वरदान साबित होगा। अगर हमें मंगल की धरती को पृथ्वी जैसा बनाना है तो हमें मंगल की धरती पर पृथ्वी से भी कई गुना ज्यादा मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग करनी पड़ेगी। तो जानते हैं कि हम अपनी आज की टेक्नोलॉजी से मंगल की धरती को कैसे बदल सकते हैं। हमें मंगल की धरती पर बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगाने होंगे जिनसे वहां पर ग्रीन हाउस गैसेज पैदा कर सकें। मंगल की धरती पर लगातार 100 सालों तक ग्रीन हाउस गैसेज पैदा करनी होंगी। बहुत ज्यादा मात्रा में हुए ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से मंगल का एटमॉस्फेयर गर्माने लगेगा। एटमॉस्फेयर में हीट के ट्रैप होने की वजह से मंगल की पोलर आइस कैप पिघलने लगेगी, और फाइनली एक सदी बाद हमें पहली सफलता मिलेगी जिसमें हम पानी को बर्फ से लिक्विड फॉर्म में बदल पाएंगे। पानी के लिक्विड फॉर्म में आने के बाद उस पर नदियां बहने लगेंगी, लेकिन काम यहीं खत्म नहीं हो जाता। केवल पानी का लिक्विड फॉर्म में आ जाने से ही वहां पर रहना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पर श्वास लेने के लिए एक ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर भी तो होना चाहिए। मंगल के जहरीले एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से भरने के लिए हमें अपने नेक्स्ट स्टेप पर काम करना होगा, और वो है मंगल की धरती पर प्लांट लाइफ। लेकिन उसके लिए मंगल की धरती को फर्टिलाइज होना होगा। मंगल की सतह पर हुई खोजों के अनुसार ये पता चला है कि मंगल की मिट्टी में कुछ खनिज ऐसे मौजूद हैं जिससे जमीन उपजाऊ बनती है। हालांकि मंगल की धरती को पूरी तरह से उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। जब मंगल की सतह पर मौजूद मिट्टी पूरी तरह से फर्टिलाइज हो जाएगी तो इस पर पेड़ पौधे आसानी से ग्रो कर पाएंगे, लेकिन मंगल की मिट्टी को फर्टिलाइज होने में कई साल लग जाएंगे। जब मंगल की मिट्टी फर्टिलाइज हो जाएगी तब इस पर पेड़ पौधे और घास उगने लगेगी और लाल ग्रह पर हरियाली छाने लगेगी। धीरे धीरे मंगल का जहरीला एटमॉस्फेयर श्वास लेने लायक एटमॉस्फेयर में बदलने लगेगा। हजारों सालों की मेहनत के बाद मंगल ग्रह को टेराफॉर्म कर उस पर रहा तो जा सकेगा, लेकिन मंगल हमारी दूसरी पृथ्वी कभी नहीं बन सकता, क्योंकि पृथ्वी इतनी खास है कि इसकी जगह कोई और ग्रह नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि भले ही हम वीरान पड़े लाल ग्रह को टेराफॉर्म कर दें, लेकिन जब तक मंगल ग्रह टेराफॉर्म हो पाएगा उससे पहले ही हम अपनी हरकतों की वजह से पृथ्वी को वीरान और बंजर ग्रह जरूर बना देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।